सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस कल देखी मैंने सर्कस मूवी और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू और रिव्यूज, जिसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेना क्या आपको सर्कस देखनी चाहिए या नहीं, क्या थिएटर में जाकर देखनी चाहिए या फिर फोन पर ही आप देख कर उसे खुश हो। सो गाइस देर किस बात की, मेरा नाम है नितिन ठाकुर और आप सबका स्वागत है फैक्टीज के एक और नए फ्रेश वीडियो में। सो गाइस नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले तो फिल्मों की दुनिया में एक बात बहुत ज़्यादा फेमस है, यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह बोली जाती है कि रोहित शेट्टी की कोई भी मूवी पिट नहीं सकती, ये बंदा अपनी पूरी लाइफ में कभी ख़राब मूवी बना ही नहीं सकता। पर कहते हैं ना, यहाँ इंसान का कोई भरोसा नहीं है तो उसकी बातों का कैसे कर ले। भरोसा तोड़ दिया ना सर्कस जैसी घटिया मूवी बनाकर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार बचपन में सर्कस का नाम सुनकर हमारे चेहरे पर एक खुशी आ जाती थी, उसे देखने के बाद फुल एंटरटेनमेंट हो जाता था। पर इस सर्कस को देखने के बाद आपकी लाइफ से खुशी जैसे गायब ही हो जाएगी। फिल्म को सक्सेसफुल बनाती है तीन चीज़ें, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। बट इस मूवी को देखने के बाद आपको बस इस मूवी में यही नहीं मिलेगा। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अरे रुको रुको भैया, बता रहे हैं इस फिल्म की कहानी ऐसी ही है, दो जुड़वाए हैं इस मूवी में, राम राम और शाम शाम, और दोनों ही अपनी असलियत से अनजान हैं, अलग अलग शहरों में अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इस मूवी में अपना एक देसी सुपर हीरो भी है जिसे मास्क पास से कोई मतलब नहीं है, खुला घूमता है अपने शहर में, अपना इलेक्ट्रिक मैन जिसे करंट वगैरह कुछ नहीं लगता, जीरो टेंशन। बट उसका जुड़वा जो अलग शहर में है उसे सेम टाइम पर झटका लगता है, मतलब शरीर अलग अलग, शहर अलग अलग, मतलब झटका किसी और को लगता है, महसूस किसी और को होता है, मतलब यार कुछ अलग ही चल रहा है इस मूवी में। आपको फिल्म में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है? एंटरटेनमेंट एंड कॉमेडी, जिसका फिल्म के साथ दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ऊपर से डायलॉग इतने थर्ड क्वालिटी के हैं जिससे सर में दर्द ही हो जाए। अगर आप रणवीर सिंह के फैन हो तो इस मूवी को बिल्कुल भी देखने मत चले जाना, क्योंकि रणवीर सिंह तो मुझे कहीं दिखे नहीं इस मूवी के अंदर। ऊपर से ऐसा लग रहा था कि रणवीर सिंह की कोई एक्टिंग उतार रहा है, इतनी वीक परफॉर्मेंस शायद ही मैंने पहले कभी किसी एक्टर की देखी होगी। और अगर आप सोच रहे हो रोहित शेट्टी मास सिनेमा बनाते हैं, फैमिली के साथ इंजॉय कर लूँगा, तो भूल कर भी ये गलती मत कर देना भाई, क्योंकि कलर्स तो बस सर्कस मूवी के पोस्टर में ही थे, मूवी के अंदर घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। फिल्म का बजट 150 करोड़ बताया जा रहा है, और जिसके बाद मेरा रिएक्शन कुछ इसी तरीके का है, पैसा बर्बाद। बस हाँ, इस फिल्म में एक बात अच्छी है, फिल्म की कास्टिंग, बोले तो अच्छे अच्छे एक्टर्स फिल्म में हाजिर हैं छोटे छोटे कैमियो रोल के लिए। बट इससे घटिया इस्तेमाल कैमियो का शायद ही किसी फिल्म में मैंने पहले देखा होगा। 20 की जगह 2 कैमियो रोल अच्छे से होते तो ज़्यादा मज़ा आ जाता। सच बताऊं तो मेरे पास तारीफ में बोलने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। बस हाँ, संजय मिश्रा सर के डायलॉग्स थोड़े फनी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी है हमें हंसाने की। बट पूजा हेगड़े और जैकलीन की ओवर एक्टिंग ने उसे भी अपने साथ डुबा दिया। एंड में मैं यही बोलूँगा, ट्रेलर तो इसका घटिया था ही, मूवी और भी ज़्यादा घटिया है। सो गाइस यही थे मेरे सर्कस मूवी को लेकर रिव्यूज़ एंड पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।